हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल। मूंग दाल में हम लौकी डाल के बनाएंगे। हमने लौकी को काट लिए हैं, फिर हम प्याज को भी काट लेंगे, फिर हम दोनों को मिला लेंगे। दाल को हम धो के कुकर में बैठा देंगे। उसके बाद हम उसमें लौकी डालेंगे जो कटी हुई रखी है, उसमें हम प्याज को मिक्स कर दिए हैं, एक साथ ही हम डालेंगे उसमें मिला के। फिर हमने नमक डाले हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। फिर हम हल्दी डाले हैं, फिर हम तेज पत्ते डाले हैं, ये सबको डाल के फिर हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं। पानी डाल के हमने ढक्कन लगा के उसे एक सीटी मारने तक हम उसे रख देंगे पकने के लिए, ताकि पक जाए वो अच्छी तरह से। पक जाने के बाद हमने तेल गरम किए हैं, उसमें अदरक लहसुन जीरा हरी मिर्च करी पत्ता का तड़का लगाए हैं। उसके बाद हमने उसमें कलर वाली मिर्ची पाउडर डाले हैं, गरम मसाला डाले हैं जो चिकन मसाले होते हैं। फिर हमने उसको पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर तक पकने देंगे। फिर हमने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की हुई है। फिर हमने इमली को भिगो के रखे थे, तो फिर हम उसको इमली को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जो हम जो मसाले डाले थे उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे ताकि वो कलर आए। और जो हमारी दाल बन चुकी थी, जो इसने हमें कुकर में हम दाल को पकाए थे, वो दाल को हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। फिर हमने जो इमली रखी थी वो भी इसमें डाल दी है मसाले में, ताकि वो एक साथ भून जाए। फिर हमने ये दाल को ऐड किए हैं वो मसाले में, फिर हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे दाल को पूरे मसाले में, पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हमने उसको मिला लेने के बाद में हम उसको ढक्कन लगा देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाई फ्लेम में रखेंगे ताकि वो पकने में जल्दी अच्छे से पक जाए। फिर हम उसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए, ताकि टेस्ट और भी बढ़ जाए खाने में। इसके बाद हम उसको अच्छी तरह से सांभर मसाले को भी मिला लेंगे उसमें। उसके बाद हम ढक्कन लगा के अच्छी तरह से पकने देंगे। पक जाने के बाद हमारी दाल